हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल खाना खजाना में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कटहल की सब्जी की रेसिपी लाई हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान है। आप इसे कुकर में झटपट बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कटहल की सब्जी बनाने के लिए हमें आधा किलो प्याज चाहिए और आधा किलो कटहल। अब इन सबको हम काट लेते हैं। देखिए, हमने प्याज और कटहल को काट लिया है। अभी इसे उठा के साइड में रखते हैं और इसका हम मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए हम एक बाउल लेंगे। अब बाउल में हम एक चम्मच हल्दी लेंगे, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कस्तूरी मेथी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इनका अच्छे से घोल तैयार कर लेंगे। देखिए, घोल हमारा तैयार हो गया है। अब इसे उठा के हम साइड में रखेंगे और इसे बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हम गैस पे कुकर रखेंगे, कुकर को गर्म होने देंगे। जब कुकर हमारा गर्म हो जाए तो उसमें हम 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। देखिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम कुछ गर्म खड़े मसाले डालेंगे, 1 बड़ी इलायची, 5 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 7 से 8 काली मिर्च और 4 लौंग। इन सबको हम डाल देंगे। 2 तेज़पत्ता डालेंगे, 2 सूखी साबुत लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच हींग। इनको हम थोड़ी देर भून लेंगे। अब इसमें हम 10 से 12 लहसुन की कलियां डालेंगे, हरी मिर्च 20 से चीरा लगा हुआ 4 से 5 इसको डालेंगे। अभी इन्हें हम थोड़ी देर भून लेते हैं। जब तड़का हमारा भुन जाए तब इसमें हम कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज को डालकर हम इसे अच्छे से भूनेंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। देखिए, प्याज का हल्का सा कलर बदल गया है। अब इसमें हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे। प्याज के साथ इसे भी हमें अच्छे से भून लेना है, जिससे अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो भी इसमें अच्छे से भून के ख़त्म हो जाए। इसको हमें बराबर से चलाते रहना है। प्याज हमारा भून गया है। अब इसमें हम मसाला डालेंगे। मसाले को हम प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। देखिए, मसाला हमारा भून गया है। इसको अच्छे से हम चला देंगे। मसाला हमारा तेल छोड़ दिया है। इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें कटे हुए कटहल डालेंगे। कटहल को डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मसाले के साथ थोड़ी देर हम भून लेंगे।
अब इसमें हम आधा गिलास पानी डालेंगे। पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। अब हम कुकर को बंद कर देंगे और इसमें 4 सीटी आने देंगे। जब 4 सीटी आ जाए तो हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए इसमें 4 सीटी आ गया था और हमने गैस को बंद कर दिया था। आगे से हम खोल के देखते हैं। देखिए सब्जी हमारी अच्छे से पक चुकी है। इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैं आपको एक दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे कटहल कितने अच्छे आसानी से मैश हो जा रहे हैं। कटहल हमारा अच्छे से पक चुका है। सब्जी हमारी रेडी है। इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।